हेलो भाई, सत श्री अकाल, वेलकम यू ऑल गाइस। सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने वाईफाई स्टडी की 2.0 चैनल पे, द वाईफाई स्टडी द चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो वेलकम यू ऑल गाइस, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपना क्या है, RSMSSB JEE 2019 में की वैकेंसी, 20 की वैकेंसी थी, जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल हो गया था उसके एक, तो अभी जून में है, उम्मीद करते हैं जून में वो एग्जाम होगा। तो उसी उम्मीद के साथ में आज अपन उसका एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं, मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो अनमास्क द इग्नोरेंस, लेट्स मास्क अप टुगेदर। तो गाइस, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सावधानी बरते, लापरवाही ना बरते और मास्क लगाएं और अपना भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। ओके, तो अपन आज का स्टार्ट करते हैं। ओके, जल्दी से जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। बिंदन दास, सम्राट, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। तो स्पेशल सेगमेंट्स देखने के लिए, एज यूजुअल आपको पता है कल भी एक मिनी मॉक टेस्ट है दोपहर को 2 बजे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप के ऊपर। और उसे देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, देन उसे इंस्टॉल कर लेना है, देन आपको करना है लॉग इन विद द हेल्प ऑफ द ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, देन सेलेक्ट योर गोल लाइक SSC, ESC, GATE, जो भी आपका गोल हो, गोल को सिलेक्ट करें और गेट सब्सक्रिप्शन की तरफ बढ़ें। गेट सब्सक्रिप्शन में आप हमारे यहाँ 1 मंथ से लेके 1 मंथ से लेके 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ के साथ अगर 6 मंथ से 24 मंथ तक हमारे यहाँ को नो कॉस्ट EMI के ऑप्शन भी अवेलेबल है। और साथ के साथ अगर आप Devon10 यूज कर कोड यूज करते हो तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। हर एक एजुकेटर का अपना रेफरल कोड होता है, ठीक उसी प्रकार से Devon10 मेरा रेफरल कोड ही है, इसे आप यूज करोगे तो 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू यूज Devon10 टू गेट 10% एडिशनल ऑफ ऑन योर नेक्स्ट अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। Then proceed to payment by using the any mode of the payment. You can make payments. Why Unacademy is the best platform? Because of the 30 plus batches हमारे हर वीक स्टार्ट हो रहे हैं, 40,000 plus recorded content है, 300 plus classes हो रही है, 20,000 plus practice question, 70 plus educator, 90% student trust, the most important thing. As usual आपको पता है हर संडे को Unacademy Combat की तरफ से एक scholarship pool exam होता है दोपहर 12 बजे every संडे को। अब ये हिंदी में भी उपलब्ध है, जाइए इनरोल कीजिए और दीजिए। इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनरोल करने के लिए खाली आपको एक कोड यूज करना होगा Devon10, जो कि यहाँ पे बॉक्स में मैंने अभी बनाया है। और एक द बिग अनाउंसमेंट इज कि अपना SSC एग्जाम मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसमें 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है और 2 ईयर के साथ में 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ओके, ऑल सेट। तो जो लोग देख रहे हैं एक बार थम्स अप कर दे ताकि मैं स्टार्ट करते हैं। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो जल्दी से थम्स अप और थम्स डाउन कर दीजिए जिससे अपन क्या करें, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्टार्ट किया जाए। ओके, एक्चुअली मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे थे, कमेंट आए हुए हैं। राइट विद कुलदीप, हाय, गुड आफ्टरनून। बिंदन सर जी, हाउ आर यू, आई एम गुड। ओके, मेरे पास थोड़े से कमेंट नहीं आ रहे थे, अभी आने लग गए हैं। चलो, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। और हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। इफ पी इज द डायरेक्ट लोड, एल इज द लेंथ ऑफ द मेंबर, ए इज द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ई इज द यंग्स मॉडुलस, देन द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस कॉज्ड बाय ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इज, श्लोक भी आ गया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेशन को लाइक कर दे जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, और शेयर कर दे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में। गुड आफ्टरनून दुर्गा टॉक्स। ओके, जो लोग बच्चे नए हैं उनको बता दो, अन अकेडमी के SSC JEE यूट्यूब चैनल पे हमारी सुबह 9 बजे से लेके और कल से शाम को 8 बजे से DFCCIL और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ओके, हेलो, कि अगर अपन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होता है, 1/2 ऑफ द पी इनटू में डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन। तो 1/2 पी डिफॉर्मेशन क्या होता है, पी एल अपॉन में ए ई। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/2 पी स्क्वायर एल अपॉन में ए ई इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्प्रिंग ऑफ द स्टिफनेस K1 एंड K2 आर प्लेस्ड वन inside the other so that they are compressed by the same amount under an axial load,
द कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द टू स्प्रिंग विल बी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये है, एक इसके अंदर है, ठीक है। इन दोनों को एक सेम लोड से कंप्रेस किया जाता है तो उनके अंदर स्टिफनेस क्या होगी, ठीक है। ये तो टेस्ट है तो मैं क्यों बता रहा हूं, तो आप लोगों को तो खाली आंसर बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए, ओके चलो। रश्मि कह रही है टू का बी, अभिनंदन कह रहा है टू का डी, और कोई? लाइफ डिपेंड फिलोफैक्स ऑटोग्राफी क्या कह रहा है? चलो बाकी लोग क्या कह रहे हैं? देखो यहां पे अगर आप लोग देख रहे हो तो दोनों एक दूसरे के अंदर स्प्रिंग है। अंदर स्प्रिंग का मतलब क्या होगा? दोनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्टिफनेस क्या आएगी? सीरीज में नहीं है, ठीक है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? K1 प्लस में K2 D इज द करेक्ट आंसर। दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ में पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू कपल एम एट द फ्री एंड हैविंग द यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI थ्रू आउट इट्स लेंथ इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इन ऑन योर डिस्प्ले, चलते चलते कॉमेंट बंद क्यों हो रहे हैं मेरे पास आने? थर्ड का ए, ओके। बिंदन के अलावा कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड पूछ रहा है कि एक कैंटिलीवर है सब्जेक्टेड टू कपल एट द फ्री एंड हैविंग द यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरिटी EI है, लेंथ क्या है? L है, ठीक है। किसके इक्वल होगा? बिंदन ए, अश्लोक ए, शेर सिंह ए, अदर्श में स्किप कर रही है, तो ये होगा एम एल स्क्वायर अपॉन में 2AE इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब विद अ क्लोज्ड एंड सब्जेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, हुप स्ट्रेस इज 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, शेयरिंग स्ट्रेस इज 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, देन द फ्लेक्सुरल देन द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस then the maximum shearing stress क्या होगा? Okay, A is the correct answer from the question number third. Question number four on your display. ओके जल्दी से आंसर कीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। कोशिश ये करना है कि 50 क्वेश्चन है और हमें एक घंटे के अंदर करने हैं, ठीक है। कोशिश ये करनी है हमें। वन का डी, नो आइडिया, ओके। जनरली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेस दे रखी है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एल इज इक्वल टू 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दे रखा है और हुप स्ट्रेस कितना दे रखा है, सिग्मा एच इज इक्वल टू दे रखा है 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। ईशान गुड आफ्टरनून, ओके। अगर हम बात करें मैक्सिमम स्ट्रेस की तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 अपॉन बाई 2, ठीक है। और क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2
डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन प्लस में टो एक्स वाई का स्क्वायर। अब इनमें क्या करें, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की मेजर और माइनर की स्ट्रेसेस की वैल्यू रख देंगे, तो कितना है 14 प्लस में 2 अपॉन में 2, ठीक, अंडर 14 माइनस में 2 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ गया 8 प्लस माइनस अपने पास आ गया है 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां से अपने पास अगर प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी या फिर आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो टो मैक्स क्या होता है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2, ठीक, डिवाइड बाय 2। तो मैक्सिमम कितना है 18 और मिनिमम कितना है माइनस का 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 10। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग आप लोगों का जो क्वेश्चन गलत होता रहे ना वो याद रखना, जैसे रश्मि के अभी तक 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, और बाकियों के ईशान तो अभी आया ही है, बिंदन के सारे से ही अभी तक, शेर सिंह का एक गलत हुआ है, याद रखना लास्ट में, ठीक है। वैसे मैं ध्यान रख रहा हूँ। ए सीमलेस पाइप विद द 80 सेंटीमीटर डायमीटर कैरी ए फ्लूइड अंडर द प्रेशर ऑफ 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इफ द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर द मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द पाइप इज। चलो स्किप कर दिया क्या, ओके सर आ गया समझ में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। ईशान का भी ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक कर दिया करो यार, मेरे को बार बार मत बोलना पड़े, ठीक है। अच्छा, एक ने डिसलाइक भी कर दिया, चलो बढ़िया, ये भी चलो चलो। अपने पास परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस क्या दे रखी है, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, डाया कितना है 80 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और अपन को प्रेशर कितना दे रखा है, फ्लूइड अंडर द प्रेशर ऑफ, प्रेशर कितना है 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, तो अपने पास सिग्मा एच इज इक्वल टू क्या होगा, पीडी अपॉन में 2t, ठीक है, 100 इंटू में 2 इंटू में डी कितना है 80, तो इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं और 2 अपॉन इंटू में टी, तो यहां से टी अपने पास आ जाएगा 8 एमएम में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो presently percentage of the area irrigated to that of the total cultivated area is 80%। ये इंडिया के लेवल से का क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर presently अपने पास कितना cultivated area irrigate किया जाता है, ठीक है, 80%, 33%, 27%, 40% या 50%। और कोई क्वेश्चन नंबर 6 का, अश्लोक कह रहा है 50%, और कोई बिंदन दास कह रहा है 50%, ओके, ईशान कह रहा है 50%, और कोई जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो। ईशान ई बता रहा है, अश्लोक ओके, और कोई, तीन ही लोग, अच्छा दीपक सी ओके, दीपक 27% बता रहा है, ओके, द करेक्ट आंसर इज द 27% ऑफ द टोटल एरिया इज इरिगेटेड, ऑफ द टोटल कल्टीवेटेड एरिया का टोटल 27% ही एरिया इरिगेट हो पाता है अभी। ओके नेक्स्ट, द reduce salinity by leaching the best method of irrigation is sprinkler irrigation, furrow irrigation, check flooding या none of the above।
कि सेलिनिटी, हमें लीचिंग से सेलिनिटी कम करनी है, उसके लिए कौन सा मेथड बढ़िया है, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फ्यूरो इरिगेशन, चेक फ्लडिंग या नन ऑफ द अबो? थोड़ा सा फास्ट करें आंसर्स। ओके, शेर सिंह ने भी ओके ठीक है, शेर सिंह के अभी तक दो गलत हुए हैं, ईशान का अभी आई थिंक फर्स्ट कमेंट ही है, फर्स्ट ही आंसर। ओके सी, चेक फ्लडिंग इज द करेक्ट आंसर, कि चेक फ्लडिंग के अंदर अपन छोटी सी क्यारी बना के उसके अंदर भरते हैं, जिससे क्या है पानी वहां से डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है, रुका रहेगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन में कैसे करते हैं अश्लोक, अपन क्या करते हैं चेक फ्लडिंग के अंदर लीचिंग करने के लिए अपन इस लैंड को क्या करते हैं पानी से भर के छोड़ते हैं, जिससे जो भी यहाँ पे साल्ट होंगे वो इसके अंदर घुल जाएंगे, कुछ एवोपरेट हो जाएंगे, कुछ परकोलेट होगा, कुछ यहाँ से अपन क्या कर लेंगे ड्रेन आउट कर लेंगे, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर इतना पानी नहीं होता कि अपन उसे कर, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हिमांशी भी आ गई, चलो गुड। The percentage of the cultivable command area proposed to irrigate annually is called the intensity of the irrigation, true or false? चलो बताओ, फ्यूरो पोटैटो, हाँ गुड, चल बिंदन 8 का ए, ईशान ए, रश्मि ट्रू बता रही है, और कोई ट्रू कौन बता रहा है? ओके दीपक ए बता रहा है, ओके कि टोटल अपने पास अगर मान लो कि 10 हेक्टेयर एरिया था, ठीक है, 10 हेक्टेयर में 5 हेक्टेयर तो अपन 50% मतलब 5 हेक्टेयर तो अपन किस में करते हैं, रवि में करते हैं, मतलब क्या हो गया 50% हो गया, और 6 हेक्टेयर अपन किस में करते हैं, खरीफ में करते हैं, तो टोटल कितना हो गया 60% हो गया, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी 110%। ओके ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रू इज द, जय सोनी। ओके, फर्स्ट वाटरिंग टू ए क्रॉप इज कॉल्ड पेलियो, कोर वाटरिंग, फ्लडिंग या कोर पीरियड? जो अपना पहला पानी देते हैं किसी क्रॉप को वो क्या कहलाता है, पेलियो इरिगेशन कहलाता है, कोर इरिगेशन कहलाता है, फ्लडिंग कहलाता है या कोर पीरियड कहलाता है? ईशान ए बता रहे हैं, शेर सिंह ए बता रहे हैं, बिंदन ए बता रहे हैं, रश्मि भी ए बता रही है। ओके यार, ए इज द करेक्ट आंसर, कि सोइंग से पहले अपन जो इरिगेशन करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लैंड वो क्या कहलाता है, पेलियो इरिगेशन कहलाता है। जैसे ही क्रॉप कुछ समय, कुछ पीरियड के बाद में, कुछ फ्यू सेंटीमीटर अगर ग्राउंड से बाहर आ जाती है, तब जो पानी देते हैं वो कहलाता है कोर इरिगेशन, कोर वाटरिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। The time from the planting to the harvest, the crop is called base period, crop period, both A and B, या none of the above? हरिकेश A बता रहे हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ, प्लांटिंग से लेके हार्वेस्ट के बीच का समय क्या कहलाता है, बेस पीरियड कहलाता है या क्रॉप पीरियड कहलाता है या बोथ या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी नहीं? क्रॉप पीरियड, ईशान ए बता रहा है, डिफेंस लवर बी बता रहा है क्रॉप पीरियड, ओके ठीक है, ईशान क्या बता रहा है, बेस पीरियड बता रहा है, बिंदन भी बेस पीरियड बता रहे हैं, वाओ। बेस पीरियड होता है फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग के बीच का, ठीक है,
और प्लांटिंग से सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग का कहलाता है क्रॉप पीरियड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ईशान एंड बिंदन क्रॉस चेक योर आंसर। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द कोर बॉर्डरिंग फॉर द राइस इज 135 mm, 190 mm, 165 mm टू 10 mm। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द कोर वाटरिंग फॉर द राइस इज कितना होता है राइस के लिए कोर वाटर? हाँ, ओके, 11 का बिंदन बी बता रहा है, शेर सिंह बी बता रहा है, और कोई? ठीक है, राइस के लिए 190 mm इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। ए कैनाल डिजाइन टू इरिगेट थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड परमानेंट कैनाल, कंटिन्यूअस कैनाल, ग्रीन कैनाल, पेरेनियल कैनाल। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। सबसे ज्यादा राइस के लिए होता है, हाँ बिल्कुल राइस के लिए सबसे ज्यादा होता है पेरिनियल कैनाल। ओके, 12 का डी, ईशान भी डी बता रहे हैं, अश्लोक भी डी बता रहे हैं, शेर सिंह भी डी बता रहे हैं, और कोई? आओ, हिमांशी भी डी बता रही है, क्या बात है, गुड। डी इज द करेक्ट आंसर, पेरिनियल कैनाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 30 meter long steel tape standardized with the pull of the 100 newton was used for the measuring a baseline of the length 1500 meter. The pull exerted while measuring the 150 newton. The correction CP due to pull is given by permanent B, permanent का ही part है, continuous और perennial, ठीक है, permanent canal का ही part। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, बी खा गया मात यहीं पे। रश्मि बता रही है सी। ओके, बिंदन बता रहा है सी, हरिक हरिक बता रहा है, हरिकेश बता रहा है सी, और कोई? शेर सिंह बता रहा है सी, दीपक बता रहा है सी, और सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि अपने पास लोड क्या होता है कि पी माइनस में पी नॉट L अपॉन में AE होता है, यही होता है। P क्या है? स्टैंडर्ड पुल कितना है, सॉरी अप्लाइड पुल कितना है? 150 न्यूटन। ठीक है, 150 माइनस में 50 अब 100 क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड पुल। L कितना है? 1500 अपॉन में AE, तो कितना गया? 50 इंटू में। ठीक है ईशान, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन फाउंड टू बी 30 degree 45 minute If the declination is 3 degree 45 minute east, the true bearing of the line is? Very good. Rashmi ko formula bahut yaad hai. Survey ke to vishesh ka. Chalo, next ka answer karo. Jaldi se.
14 का डी डी। चलो अभी देख लेते हैं कि मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन फाउंड टू बी दिस इफ द डेक्लिनेशन, अच्छा डेक्लिनेशन यहाँ पे आया हुआ है, कितना है 3 डिग्री 45 मिनट का ईस्ट में, और ये एंगल कितना है अपने पास 35 डिग्री 45 मिनट्स, तो दोनों क्या हो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो 39 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, हर एक बी नहीं होगा। ऑफसेट आर द टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल एंड कर्व्ड ऑब्लिक, स्ट्रेट एंड ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक। Perpendicular and oblique is the correct answer. इसका भी D is the correct answer. In a chain surveying work of the traverse, it is necessary to apply the correction due to sag for the tap. Correction is dependent on the temperature condition. Always negative, always positive, either positive or negative. Always negative. Sag correction is always negative. Sag correction क्या होता है? W square L cube upon में 24 P square. Next question. In chain surveying, perpendicular to the chain line are the set out by the theodolite, prismatic compass, a level, a optical square. चलो क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। शेर सिंह, अशोक, रश्मि, बिंदन, टैक्योमेट्री इज द करेक्ट आंसर, टैक्योमेट्री इज द करेक्ट आंसर, टैक्योमेट्री इज द करेक्ट आंसर। एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द एवरेज रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अर्थमेटिक मीन मेथड, आइसोहाइडल मेथड, या नॉर्मल रेशियो मेथड, या थेसन पॉलीगन मेथड। हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ये कह रहा है कि एवरेज रेनफॉल का सबसे ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट किसके, कौन से मेथड में करते हैं, अर्थमेटिक मीन मेथड में, आइसोहाइडल मेथड में, या नॉर्मल रेशियो मेथड में, या थेसन पॉलीगन मेथड में। और ये उम्मीद है क्वेश्चन सारे आंसर गलत करेंगे। ओके वेरी गुड। तो वहां रफ ग्राउंड का मतलब क्या हो गया, कहीं पे भी अनइक्वल सरफेस है तो वहां पे किस से यूज करेंगे। 29 स्किप। ओके आइसोहाइडल मेथड इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है एस्टिमेशन ऑफ द एवरेज रेनफॉल के लिए, आइसोहाइडल मेथड था, बी इज द करेक्ट आंसर।
The performance of a well is measured by specific capacity, specific yield, storage capacity, coefficient या permeability coefficient. कि किसी भी कुएं की वेल की अपन परफॉर्मेंस उसके कैसे डिफाइन की जाएगी, स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक यील्ड या स्टोरेज कोफिशिएंट या परमेबिलिटी कोफिशिएंट. कल भी ठीक इसी तरह के दो पेपर होंगे, एक 2 बजे, एक शाम को 7 बजे. 7 बजे टॉस का होगा, 2 बजे अपना कंबाइंड होगा. स्पेसिफिक कैपेसिटी इज द करेक्ट आंसर. स्पेसिफिक कैपेसिटी इज द करेक्ट आंसर कि किसी वेल की अगर हमें परफॉर्मेंस मेजर करनी हो तो उसकी कैपेसिटी स्पेसिफिक कैपेसिटी से की जाएगी. तो ऑप्शन ए इज द करेक्शन. द रेनफॉल हिटोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव डेप्थ of rainfall with the time, rainfall depth and the area, rainfall intensity with the time, rainfall intensity with the cumulative depth of the rainfall. Question number 21 का hydrograph किस किस के बीच में होता है. यह question तो पिछले वाले test के अंदर मैंने उल्टा पूछा था कि ऑप्शंस दे दिए थे, ऑप्शन वाला दे दिया था, पूछा था हिटोग्राफ है, हाइड्रोग्राफ है, क्या है, ऐसा करके पूछा था मैंने पिछले संडे को. अब सैटरडे संडे आरएसएम एसएसबी जेई के मॉक पेपर के लिए ही रहेगा. इस बार तो खाली एक है, आगे वाले आने वाले दिनों में 2 या 3 पेपर लिया करेंगे मॉक टेस्ट. रेनफॉल इंटेंसिटी विद द टाइम इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन पर क्विंटल कौन सी होती है. कि इनमें से अपन किस को क्विंटल के अंदर, पर क्विंटल के अंदर मेजर करते हैं. कोलैप्सिबल गेट विद द रेल, रोलिंग शटर, एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग या रेनफोर्स्ड आरसीसी वर्क, किसको क्विंटल के अंदर मेजर करेंगे. ठीक है, तो सेशन को लाइक करते रहें. बस आप लोग इतने कर दिया करो, मेरी क्लास चलती के बीच में 50 लाइक करवा दिया करो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को. अब 16 बंदे बैठे हुए हैं, लाइक किसी ने करी नहीं, लाइक कर रखा है 10 लोगों ने. चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो आगे करो. क्वेश्चन नंबर 22 का बताओ. कोलैप्सिबल गेट्स ये रेल्स के मीटर स्क्वायर में, रोलिंग शटर भी मीटर स्क्वायर के अंदर मेजर किया जाता है, मेटल वायर नेटिंग भी किसमें मीटर स्क्वायर के अंदर, ये क्विंटल पर. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एस्टिमेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी. डीपीसी इज मेजर्ड इन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वेट. डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स को, लेकिन मैंने तो डी मार्क किए है रश्मि. चलो कोई बात नहीं. 23 बताओ. ट्वेंटी थ्री का बी is the correct answer. Area is the correct answer. DPC measured in the area is the correct answer. Next question. Most liable area estimate is plinth area estimate, detail estimate, preliminary estimate, cube rate estimate. दादा क्या कह रहे हैं, रेनफोर्स्ड ऑफ आरसीसी वर्क,
आरसीसी वर्क में यूज होने वाले सरिये की बात कर रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 23 शीर्षक 24 का। मोस्ट लायबल एरिया क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट यूज करते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट इज द करेक्ट आंसर, डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है शेर सिंह, समझ में आ गया था वो, इसलिए क्विंटल क्यों किया था कि रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क, कि आरसीसी वर्क में यूज होने वाली रेनफोर्समेंट मतलब सरिया, स्टील बार्स की बात कर रहे हैं, वो क्विंटल में आती है ना। नेक्स्ट, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ डीपीसी आरसीसी छज्जा फॉर्मवर्क कॉन्क्रीट जाफरीज। ओके ओके चलो क्वेश्चन नंबर 25 का बताओ। ठीक है, आरसीसी छज्जा किसमें क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्ट्रेट लाइन मेथड द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस में एनुअल सिंकिंग फंड अपॉन में लाइन ऑफ लाइफ ऑफ द ईयर है, और ओरिजिनल कॉस्ट प्लस में एनुअल सिंकिंग फंड लाइन ऑफ लाइफ ऑफ द ईयर, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ इन ईयर है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है चलो 26 का बताइए, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ इन ईयर्स, एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे मेजर करते हैं 26 का। सी इज द करेक्ट आंसर, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ इन द ईयर। द क्वालिटी ऑफ ए ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर डे पर मेसन शुड बी, कि फाउंडेशन के अंदर अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं और या प्लिंथ पे कर रहे हैं तो एक मेसन एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1.7 क्यूबिक मीटर, 2.5 क्यूबिक मीटर, 1.0 क्यूबिक मीटर, 1.25 क्यूबिक मीटर। 26 का ए नहीं होगा कि ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं अपॉन में टोटल लाइफ ऑफ द ईयर कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, एनुअल डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। चलो ट्वेंटी सेवन का बताइए, रश्मि कहां 24 पे घूम रही हो तुम, पेज को रिफ्रेश करो। 27 का बिंदन का आया है, ईशान का आया है, और किसी का नहीं आया अभी तक। 27 का 1.2 क्यूबिक मीटर इज द करेक्ट आंसर, 27 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वुडवर्क शुड बी मेजर टू द नियरेस्ट, वुडवर्क शुड बी मेजर टू द नियरेस्ट, 0.001 मीटर, 0.002 मीटर, 0.003 मीटर, 0.004 मीटर। चलो श्लोक का आया है और उसके अलावा बिंदन बता रहा है ए नहीं होता, 2 mm तक नियरेस्ट मेजरमेंट करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
PERT analysis is based on the optimistic time, pessimistic time, most likely time या all of the above. PERT analysis करते हैं उसके अंदर अपन किसके बेस पे करते हैं, optimistic time, pessimistic time या most likely time या all of the above. यार ओके, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. ए पार्ट नेटवर्क इज एक्टिविटी ओरिएंटेड व्हाइल सीपीएम नेटवर्क इज इवेंट ओरिएंटेड, ट्रू और फॉल्स. पार्ट है वो नेटवर्क एक्टिविटी ओरिएंटेड है और सीपीएम क्या है, इवेंट ओरिएंटेड है. ये बात सही है या गलत है? बहुत ही इजी सब्जेक्ट है. कोई बात नहीं, जुड़े रहिए, थ्योरी सब्जेक्ट ये भी कवर करवा दूंगा मैं. ये उनमें से है जिनकी कमांड मेरी बहुत अच्छी है, जिन सब्जेक्ट्स पे, उनमें से पार्ट भी एक है. बी इज द फॉल्स, 30 का करेक्ट. क्या है पार्ट, क्या है इवेंट ओरिएंटेड है और सीपीएम क्या है एक्टिविटी ओरिएंटेड. ठीक है, कोई बात नहीं. और कोई भी तो एग्जाम दोगे, गेट दोगे तो 2 नंबर दिलाएगा ये क्वेश्चन. अगर कोई एसएससी दोगे तो 3 नंबर, 3 से 4 नंबर देगा. ठीक है, द थ्री प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट अबाउट वन एक्टिविटी एनालाइज अंडर पार्ट हैव द थ्री टाइम एस्टिमेट 4, 5, 6 days फॉर द ऑप्टिमिस्टिक नॉर्मल एंड द पेसिमिस्टिक सिचुएशन. द एक्सपेक्टेड टाइम इन डेज अंडर पार्ट विल बी. आज तक नहीं पढ़ा ना, तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ. ये वाला क्वेश्चन जो अभी 31 आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, पार्ट का अगर कोई क्वेश्चन आएगा, पहली चॉइस यही क्वेश्चन बनेगा. 31 जो क्वेश्चन दे रखा है पार्ट से, अगर कोई एग्जामिनर पेपर बनाता है तो पहले फर्स्ट चॉइस रहते हैं ना. तो ये क्वेश्चन रहता है फर्स्ट चॉइस हर एग्जामिनर की. जैसे हर एक सब्जेक्ट में अपनी अपनी चॉइस रहती है ना, कि अगर मैं बात करूं, अगर अपन इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट में फर्स्ट चॉइस रहेगा बीओडी. क्या होता है अपने पास, टी नोट प्लस में 4 TM प्लस में TP अपॉन में 6 होता है एक्सपेक्ट, टी एक्सपेक्टेड. तो टी नोट कितना है, ऑप्टिमिस्टिक 4, और मीन टाइम मतलब एवरेज टाइम कितना है, 4 × 5 प्लस में 6 अपॉन में 6 कितना हो गया, 20 प्लस में 30, 30 अपॉन में 6 इक्वल टू आ गया 5 days. ठीक है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है. ठीक है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का पार्ट से. पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ये बिल्डिंग मटेरियल का है. Plywood do not split or crack due to change in the atmosphere. Commercial plywood are available up to 150 cm wide and up to 30 cm long. The plywood possess uniform tensile strength in the all direction. The plywood are light in weight. Ya all of the above. In mein se kaun si statement correct hai? Question number 32 mein se. Koi baat nahi Ishan. एंड अश्लोक करवाएंगे, पर्ट भी करवाएंगे आप लोगों को. ज्यादा दिन नहीं है, 2-3 दिन में ही करवा देंगे, इतना लंबा छोटा सब्जेक्ट ही नहीं. अगर किसी को एस्टीमेट जैसे पढ़ना हो तो मिनिमम से मिनिमम 3 घंटे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 घंटे. अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग पढ़ना हो तो यही 7 से 10 घंटे. ओके,
और श्लोक बता रहा है ई बिंदन भी ई, ईशान भी ई और रश्मि भी ई और शेर सिंह भी, मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ इज मैग्नीशिया, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। जरूर अपडेट कर देंगे। बिंदन कह रहा है एल्यूमिना, रश्मि कह रही है सिलिका, ईशान कह रहा है एल्यूमिना। गुड क्वालिटी ब्रिक वर्क के अंदर अगर हम बात करें, सलीम लेके चलते हैं ना, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, और सबसे ज्यादा क्या होती है, सिलिका होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दैट मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा, सिलिका होगा। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, सिलिका की होती है, तो मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा, सिलिका होगा। नेक्स्ट, पिक अप द वोल्केनिक रॉक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ग्रेनाइट, डोलेराइट, बासाल्ट या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर इसका सही सिलिका ही रहेगा, सलीम। हाँ, तो परसेंटेज ज्यादा होगा तो मतलब वही है। अब उसके अंदर एक्सेस में अगर एल्यूमिना डाल दिया तो क्या करेगा, जब बर्न होगी तो एल्यूमिना क्या करेगा, टेडी मेडी रैप कर देगा। एक फिक्स परसेंटेज से ज्यादा अगर अपन एल्यूमिना डालेंगे तो वो क्या कर देगा, ब्रिक को क्या कर देगा, टेडी मेडी रैप कर देगा, मतलब घुमा देगा, शेप के अंदर उसके चेंजेस कर देता है। दादा अच्छा हाँ ठीक है। थर्टी फोर का सी, ईशान ने बता दिया बी, एम के पी सिविल ने बता दिया ऑल ऑफ द अबव, रश्मि ने भी ऑल ऑफ द अबव बता दिया। कोई अभी ए ऑप्शन पे और मार्क कर दो ताकि चारों ही ऑप्शन हो जाएंगे। और आंसर इज द करेक्ट आंसर 34 का सी इज द करेक्ट आंसर। बसाल्ट इज द वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक मतलब इग्नियस रॉक से जो बाहर आके ऐसे जम जाए, ठीक है, लावा जो जमता है ना, ठीक है, उसकी बात चल रही है। तो बासाल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीटली प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द वाटर, क्वांटिटी ऑफ द एग्रीगेट, क्वालिटी ऑफ द सीमेंट या वाटर सीमेंट रेशियो पे। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट जनरली किस पे डिपेंड करती है, तो जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको बता दो, हमारी रेगुलर क्लासेस अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे स्टार्ट चल रही है सुबह 9 से 11 बजे, और कल से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है शाम को 8 बजे जियोटेक का। तो स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन अन अकेडमी यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। दादा ईशान, वो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव वो भी तो होता है ना, एक सरफेस से बाहर चला गया, यहां से ये रोग था, रोग के एक तो सरफेस से बाहर आ गया, ठीक है, एक बीच में ही रह गया, एक यही नीचे रह गया, ये तीनों ही वॉल्केनिक है ना, उनके आधार पे बताया था वो मैंने डोलेराइट, ठीक है। ओके, वाटर सीमेंट रेशियो इज द करेक्ट आंसर। अखिल आकाश AK-47 डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जम ब्रिक्स आर द अंडरबर्न्ड, ओवरबर्न्ड, कोचा या नन ऑफ द अबव। ओके,
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का, बिंदन कह रहा है बी, रश्मि भी बी बता रही है, एमकेपी सिविल भी बता रहा है, अश्लोक भी बी बता रहा है, ओवरबर्न इज द करेक्ट आंसर। जंप ब्रिक्स को क्या कहते हैं? ओवरबर्न ब्रिक्स कहते हैं, दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड थिनर इन द ऑयल पेंट इज नेप्था, टारपेंटाइन या बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। थिनर के रूप में किस किस को यूज किया जा सकता है ऑयल पेंट में? नेप्था को, टारपेंटाइन को, या दोनों को, या दोनों में से किसी को ही नहीं? तो गाइज जो लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए यार, 20 लोग लाइव देख रहे हैं, 10 लोगों का लाइक आया हुआ यार, थोड़ा सा चलो, एक ने तो डिसलाइक भी कर रखा है, चलो कोई बात नहीं। थर्टी सेवन का बताइए, शेर सिंह कह रहा है टारपेंटाइन, बिंदन कह रहा है सारे अभी भी के साथ में पहुंच गए तो दोनों को यूज कर सकते हैं, नेप्था को भी यूज कर सकते हैं और टारपेंटाइन को भी एज ए थिनर के रूप में यूज किया जा सकता है दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवार कंटेंट 12% ऑफ द निकल, 24% ऑफ द निकल, 30% ऑफ द निकल, 36% ऑफ द निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले, थर्टी एट का बताइए, अखिल पीछे चल रहा है यार, पेज को रिफ्रेश कर, अभी तू 36 का आंसर कर रहा है, हम 38 पे पहुंच चुके हैं। रश्मि का आया 38 का डी, और किसी का? यार ईशान क्या कर रहा है तू, मुझे लगता है इन दिनों में एग्जाम छोड़ने के बाद में तूने पढ़ाई लिखाई छोड़ रखी है। 36 और 64% होता है, ठीक है, 36% निकल होता है और 64% स्टील होता है, इनवार के अंदर ब्रास नहीं होता श्लोक, ठीक है। ईशान डी इज द करेक्ट आंसर, ऐसे इजी क्वेश्चनों पे भी गलत करोगे तो पार नहीं पड़ेगी। Distemper is a paint consisting of the powder chalk pigment and the water, a paint proofing agent, a waterproofing agent, a paint consisting of the colored cement with and water, a drying agent. तो यहां पेपर में बुक थोड़ी खोल के बैठे हैं सारे लोग, थर्टी नाइन का ए इज द करेक्ट आंसर। डिस्टेंपर क्या है? पेंट कंसिस्टिंग ऑफ द पाउडर चाक पिगमेंट एंड द वाटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्रैक विच एक्सटेंड फ्रॉम द बार्क टुवर्ड्स द सैप वुड इन द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द ट्री और कॉल्ड, ये क्या था? ट्री था, ये कह रहा है कि अपने पास बार्क टुवर्ड्स द सैपवुड, कि अपने पास जो क्रैक्स आ रहे हैं, द क्रैक्स विच एक्सटेंड फ्रॉम द बार्क, बार्क से चल के और सैपवुड की तरफ ऐसे क्रैक्स आ रहे हैं और क्रॉस सेक्शनली आ रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हाँ रिवीजन की नीड है, करो रिवीजन करो, ठीक है। रेडियल शेक, स्टार शेक, हर्ट शेक, कप शेक, फोर्टी का बी इज द करेक्ट आंसर, स्टार शेक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
When two plates are placed end to end and jointed by a single cover plate, the joint is called lap joint, butt joint, chain riveted lap joint, double cover butt joint. एंड टू एंड ज्वाइन कर रहा है ऐसे, और यहां पे एक ऐसे प्लेट लगी हुई है। इकतालीस का 41 का बी बी लैप ज्वाइंट इज द इनकरेक्ट आंसर। 41 का चेन रिवेटेड लैप ज्वाइंट नो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि ये सिंगल कवर बट जॉइंट है। सिंगल कवर बट जॉइंट है, यहाँ पे सिंगल कवर का ऑप्शन नहीं है, डबल कवर या ओनली बट जॉइंट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लैप जॉइंट के अंदर ऐसे एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कोडल प्रोविजन इफेक्टिव बकलिंग लेंथ ऑफ ए कैंटिलीवर स्टील कॉलम ऑफ द लेंथ एल इज गिवन बाय, कि कोई एक कॉलम है ठीक है, और उसमें बकलिंग लेंथ क्या होगी। ठीक है, ये सही है। दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ एल इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या हो गया 2L, एक एफ वन फ्री एंड की तरह काम करेगा। नेक्स्ट, सैप फैक्टर फॉर द सर्कुलर सेक्शन इज, सैप शेप फैक्टर फॉर द सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू 1, 1.5, 1.70, 2.34। फोर्टी थ्री का ऑप्शन बिंदन बता रहा है सी, और सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। रेक्टेंगुलर के लिए तो क्या होता है 1.5 रेक्टेंगुलर के लिए, सर्कुलर के लिए, और ये किसके लिए होता है, ठीक है, ये होता है ट्रेंगुलर के लिए। ओके, और अगर बात करें होलो सर्कुलर के लिए बात करें, तो होलो सर्कुलर के लिए बात करें, हॉलो सर्कुलर के लिए बात करें तो आ गया ना, सर्कुलर के लिए ये आ गया ना, ऑप्शन सी। हॉलो सर्कुलर के लिए बात करें तो क्या होगा 1.27, और आई सेक्शन के लिए बात करें तो 1.1 से लेके 1.2 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। चलो आज सुबह ही करवाया है, खाली ऑप्शन अलग था। राजू गहलोत, थैंक्स। ओके गहलो साहब बताओ, और जो लोग नए आए हैं उनको पता हो कि हमारी रेगुलर क्लासेस अन अकेडमी की एसएससी जेई यूट्यूब चैनल पर है, और अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे चल रही है। तो वहां आइए हमारे साथ, सुबह 9 बजे जुड़िए, और शाम को 8 बजे कल से जियोटेक, और सुबह मॉर्निंग में भी जियोटेक ही चल रही है। चलो ये क्वेश्चन बताओ, 44 आज सुबह ही पूछा था, खाली ऑप्शन अलग था। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। टेलुस इज द करेक्ट आंसर। अरे दादा, टेलुस इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह कोल्यूवियल जिसे बोल रहे थे। ठीक है, बस बस ये क्वेश्चन मुझे दिखा ना तो मैंने जानबूझ के सूबे वाली गलती करेंगे एक दो तो। AutoCAD was first released in the year of the 1858-1962 का डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। विच मोड अलाउ द यूजर टू ड्रॉ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन और स्नैप ऑर्थो लीनियर पोलर ट्रैकिंग, इनमें से कौन सी कमांड मोड अपन को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए देता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल। बोला मैं उल्टा हूं ड्रा कुछ और किए, चलो कोई बात नहीं। ऑर्थो इज द करेक्ट आंसर। ऑर्थो मोड जैसे ही यूज करेंगे तो अपने पास लाइंस होंगी वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं, खाली या तो वर्टिकली जाएगी या हॉरिजॉन्टली बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन द पैरेलल लाइन कंसेंट्रिक सर्किल एंड पैरेलल कर्व डैश इज यूज्ड, एरे फिलेट कॉपी ऑफसेट। बिल्कुल आते हैं, बेसिकली चार पांच क्वेश्चन आते हैं। फोर्टी सेवन का ऑफसेट इज द करेक्ट आंसर। देखो कॉपी से भी नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं और अपन एरे से भी बना सकते हैं, लेकिन यहां बात चल रही है कंसेंट्रिक सर्किल की। कंसेंट्रिक मतलब ऐसे जिनका सेंटर क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, एरे के अंदर भी नंबर ऑफ कॉपीज कर सकते हैं अपन, कॉपी से भी नंबर ऑफ कॉपीज कर सकते हैं, कॉपी कमांड इन दोनों से कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कंसेंट्रिक सर्किल यूज किया है इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन अभी RSMSSB JEE के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। हाउ मेनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन द AutoCAD? 2, 4, 3, 5। वर्क स्पेस इन द AutoCAD क्या होता है? थ्री वर्क स्पेस होता है, या तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के लिए हो गया, 3D बेसिक हो गया, या 3D मॉडलिंग हो गया, तो तीन वर्क स्पेस होते हैं। ठीक है, तो तीन वर्क स्पेस होते हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के लिए हो गया, एक बेसिक हो गया AutoCAD के लिए 3D बेसिक हो गया, और एक 3D मॉडलिंग हो गया। ठीक है, तीन वर्क स्पेस होते हैं। ओके, नंबर ऑफ अननोन इन unknown internal forces in one member of rigid jointed plane frame is given by 1, 2, 3, 4। लग रहा था तो मार्क क्यों नहीं किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
आज का विनर भी घोषित करूंगा मैं। थ्री इज द करेक्ट आंसर कि अपने पास एक तो हॉरिजेंटल फोर्स हो गया, वर्टिकल फोर्स हो गया और मोमेंट हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज एफ सी के 0.85 एफ सी के, 0.67 एफ सी के, 0.45 एफ सी के। फिफ्टी का सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अब एक्चुअल ये होता है, सेफ फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं ना, अश्लोक अश्लोक सेफ फैक्टर कंसीडर कर लेंगे तो 0.45 एफ सी के हो जाएगा अगर सेफ फैक्टर कंसीडर करेंगे तो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो, तो सेशन एंड की तरफ है। उससे पहले मैं बता दूं आज के विनर कौन है। दो लोग विनर है आज, नंबर वन और नंबर टू बता देते हैं। ठीक है, बताया जाए। उससे पहले आप लोग, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया सेशन को, लाइक कर देना। सेशन खत्म होने के बाद में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस सेशन को शेयर भी करना। ये मेरी थोड़ी सी हम्बल रिक्वेस्ट मान लिया करो। ठीक है, ज्यादा कुछ मैं कहता नहीं हूं। हाँ, तो एक्चुअल ये पूछा है तो एक्चुअल 0.67 एफ सी के होगा। इफ वी कंसीडर द शेप फैक्टर देन इट विल बी डिवाइडेड बाय द 1.5 देन द आंसर गोट बाय 0.67 एफ सी 0.45 ये आ जाएगा 435 एफ सी के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस। आई होप यू एंजॉय द सेशन। फर्स्ट विनर इज द बिंदन। बिंदन के लगभग शायद 3 क्वेश्चन गलत थे, तो अप्रोक्सीमेट 47 क्वेश्चन इसके सही है। नंबर टू इज ऑन शेर सिंह, शेर सिंह, और शेर सिंह के लगभग 5 क्वेश्चन गलत थे, तो 45 क्वेश्चन के अराउंड थे, 45 और 44 के आसपास थे। ठीक है, टू विनर ऑफ द टुडेज। तो दो विनर हैं आज के, बिंदन और शेर सिंह। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस। आई होप यू एंजॉय द सेशन। हाँ, याद रख लेना। तो लास्ट में फिर है कि अनमास्क द इग्नोरेंस, लेट्स मास्क अप टुगेदर। लापरवाही छोड़े, मास्क पहने, खुद भी पहने, अपनों को भी पहनाए, खुद का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। Thank you guys for being with us. I hope you enjoyed the session. If you enjoyed the session, please like, share and press the bell icon for the further notification. And subscribe our Wi-Fi Study 2.0 YouTube channel. और जो लोग नए हैं उनको बता दूं, हमारी रेगुलर क्लासेस अनअकैडमी के SSC J YouTube चैनल पे हो रही है, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, मैं बता देता हूँ, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक AM प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, MCQ चल रहे हैं जियोटेक के। ठीक है, और अभी और शाम को कल से 8 मई से हमारा स्टार्ट होने वाला है, शाम को 8 बजे जियोटेक थ्योरी। जिनको रिवीजन करना हो आ जाना, चुपचाप बैठे रहना और देखते रहना। और कल का टेस्ट एप्लीकेशन पे होगा, जिसका लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया गया है। आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, वहां पे जाके इनरोल कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाली क्लिक करते इनरोल हो जाएगा। जैसे ही क्लास शुरू होने वाली होगी 15 मिनट पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा। और शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक
ऐप के ऊपर हमारा चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आज हमारा टिम्बर कंप्लीट होने वाला है, टिम्बर। ठीक है, और कल दो टेस्ट होंगे, दोनों के दोनों ही ऐप के ऊपर होंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। अगर आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो यूज माय रेफरल कोड devin10 टू गेट 10% एडिशनल ऑफ ऑन योर नेक्स्ट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उससे पहले सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। मुझे आज की डेट के अंदर 50 लाइक करवा देना बस, ज्यादा नहीं। ओके, थैंक यू गाइस, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह 6 बजे।